इस क्लास में सभी विद्यार्थी, जो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे उसमें एसर्टिव संबंधित जो रूल है, मतलब एसर्टिव से सेंटेंस से संबंधित जो रूल है उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपको बता रहे हैं वो है रूल्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। अब चूंकि टॉपिक आपका क्या है, नरेशन, और नरेशन में पढ़ना क्या है, एसर्टिव सेंटेंस। अब एसर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, कुछ चीजें हमको कॉमन है, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया गया टेंस चेंज, समझ लीजिए प्रोनाउन चेंज, ठीक है, नियरेस्ट वर्ड चेंज, नियरेस्ट वर्ड चेंज, ये क्या है आपका कॉमन है, ठीक। मतलब चाहे जो भी काइंड्स ऑफ सेंटेंस होगा ये सब में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, इसलिए इस कॉमन रूल को हमको पहले पढ़ लेना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इस कॉमन रूल को पढ़ लेंगे, लेकिन हम क्या है, क्योंकि टॉपिक आपका एसर्टिव सेंटेंस ले लिए, तो पहला जो परिवर्तन है आपका, मतलब फर्स्ट चेंजिंग, फर्स्ट चेंजिंग किससे रिलेटेड है, रिपोर्टिंग वर्ब से। हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब केवल आरवी से लिखेंगे। अगर सेंटेंस हमारा एसर्टिव है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा आपका ए सेंटेंस, हमने लिखा ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा में लिखा गया, और यहां पर हमने लिखा दे प्ले क्रिकेट डेली, ये आपका टॉपिक लिख दिया, ठीक, दे प्ले क्रिकेट डेली, सिंपल सा सेंटेंस हमने आपको यहां पर डाला। अब देखिए एक सेंटेंस हमारा एसर्टिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन आएगा ये आपको हम बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ए, क्लियर हो गया। अब हम यहां पर रूल आपको बता रहे हैं, रूल फर्स्ट, ठीक है। अब आप लोग लिख सकते हैं रूल फर्स्ट क्या है, इफ ध्यान दीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच इज इन एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस एंड इन रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी का मतलब क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इज गिवन, ऑब्जेक्ट इज गिवन, इट इज चेंज्ड एज गिवन बिलो। अब देखिए हम कह रहे हैं एज गिवन बिलो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये एसर्टिव सेंटेंस है, हम इसमें क्या परिवर्तन करेंगे वो आपको देखना है। जैसे मान लीजिए यहां पर अब हम देखिए, चूंकि टेंस के अकॉर्डिंग टू होता है, पहला हमने लिखा सेज टू, इसको हम चेंज करेंगे टेल्स में, सेज टू को हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा टेल्स में चेंज करेंगे। दूसरा लिखा गया, अगर से टू लिखा है इसको हम टेल में चेंज करेंगे, क्लियर हो गया। तीसरा लिखा गया, अगर सेड लिखा है इसको हम टोल्ड में चेंज करेंगे, अगर विल आर सेल के साथ से लगाया गया है इसे हम विल आर सेल किस में चेंज करेंगे, टेल में चेंज करेंगे। अब आपका परिवर्तन हो गया सेज टू, सेड टू, ठीक है। अब यहां पर सेड टू लिख लीजिएगा, सेड टू विल आर सेल, से टू को हम किस में चेंज करेंगे, विल आर सेल टेल में चेंज करेंगे। ये आपका पहला रूल हो गया कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब एसर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को इस रूप में चेंज करेंगे। अभी तक क्लियर हो गया आपको। अब यहीं पर मान लीजिए हम रूल टू लिए आपका, ठीक है, या रूल टू के स्थान पर हम यहां पर नोट लिख लीजिए आप लोग, क्या लिख लिया गया, नोट।
लिखा गया इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इट इज नॉट चेंज्ड, इट इज नॉट चेंज का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा यदि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। मान लीजिए अगर केवल क्या लिखा गया ही सेड, तो हम सेड को सेड रहने देंगे, ठीक है। अगर ही सेज लिखा गया तो हम सेज को सेज रहने देंगे, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तभी इसमें परिवर्तन होगा। बाकी चीजें आप एक्सरसाइज से सीखेंगे। अब यहां रोल टू हम लिख रहे हैं, एसर्टिव सेंटेंस अगर हमारा रिकॉर्डेड स्पीच में है यहां हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, किसको हटाते हैं कामा एंड इन्वर्टेड कामा को हटा करके लिख लीजिएगा कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा इज रिमूव्ड एंड कनेक्टिंग दैट इज यूज्ड एट दिस प्लेस, मतलब कि उस स्थान पर कामा और इन्वर्टेड कामा पर हटा करके हम किसका प्रयोग करते हैं कनेक्टिंग दैट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीजें आपको पता हो गई। अब इसके बाद हम कामा इन्वर्टेड कामा हट गया, अब यहां पर क्या परिवर्तन होगा इसके अंतर्गत टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज, नियरेस्ट वर्ड, एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा, फिर अन्य सेंटेंस से रिलेटेड रूल्स बताए जाएंगे। तो कुछ एक्सरसाइज मान लीजिए हम आपको यहां पर केवल इसमें चेंजिंग बता देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, इसको वीडियो देखते समय आप लोग नोट भी करते चलिएगा, रूल नोट करिएगा, रूल नोट करने के साथ क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना रहता है उसको क्रम से आपको पढ़ना है, ठीक। अब मान लीजिए हम आपको एग्जांपल बताए, ठीक, अब आप समझ लीजिए, जैसे दो रूल आपका बताएगा, दोनों रूल से रिलेटेड हम एग्जांपल बता रहे हैं। हमने लिखा ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ गुड प्लेयर, आपका सिंपल सा सेंटेंस हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है क्योंकि ये हमारा एसर्टिव है, आपको पता हो गया, यहां पर हम लिखेंगे ही सेज को चेंज किया गया क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया है टेल्स हो गया, ही टेल्स मी यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डाल के दैट, यही आपको दो रूल बताया गया। अब आगे क्या परिवर्तन होगा ये आगे आपको बताया जाएगा। इसी का देखिए एक्सेप्शन हमने बताया था, मान लीजिए हमने यहां पर लिखा ही और यहां पर लिखा गया क्या सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ गुड प्लेयर, क्लियर। अब क्या करेंगे यहां पर, अब हमको चेंज करना होगा, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ही सेज, इसको हटा दिया गया, इसके बाद क्या हो गया दैट, बाकी चीजें आपका ऐसे हो गया, अब यहां टेल्स नहीं करेंगे। एक चीज आपको यह सावधान करना है, अगली चीज क्या है, मान लीजिए हमने आपको लिखा ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ गुड प्लेयर, आई एम अ गुड प्लेयर, ठीक, कॉमा यहां पर लिख दिया गया अमन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब क्या होता है आपको इतना सावधान रहना है, कभी कभी यहां का ऑब्जेक्ट यहां दे देता है, जब हम इनडायरेक्ट चेंज करते हैं इसको हम यहां पर लाते हैं, हमने देखा ये सेंटेंस हमारा एसर्टिव है, हम यहां पर देख लिए ऑब्जेक्ट हमारा वोकेटिव केस में यूज किया गया है, इसका हम लिखेंगे ही, अब यहां पर लिखा गया टेल्स अमन दैट, आप इसको कर सकते हैं ही टेल्स अमन दैट, बाकी चीजें आपको नेक्स्ट रूल के तहत बताई जाएंगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास। तो आप सभी लोग इस क्लास के माध्यम से अगर एसर्टिव सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में सीखे। थैंक यू।